इनसे फना टीम ग्राउंड अटैकिंग कटी क्या था प्लेइंग एरिया को दोनों टीम ने काफी छोटा कर दिया और लगभग मिडिल फील्ड में दोनों टीम इस समय खेलते हैं। हालांकि यहां पर क्या डेंजर प्लेस में बॉल को सरका पाएंगे, लेकिन यहां पर देखिए जिस तरह से उनको क्लोज डाउन करते हुए पूरे अंतिम समय तक उसको घेर के रखा हुआ था और इस वजह से कोई शॉट लेने के लिए मौका नहीं दिया। हपन बाबू पूरे जिम्मेदारी के साथ, हपन बाबू और रघुनाथ जैसे डिफेंडर, देखिए बहुत ही चतुराई के साथ बॉल को लेकर बढ़ते हुए बिट्टू दास, सही कनेक्शन, राइट आउट रन खिलाड़ी बेलखान उड़े लखन मिलाया खिलाड़ी बढ़ाए कर खिलाड़ी बार बार ये अखिल पारम दिखा चीन लिखा थे उन्हें कवरिंग और बनाए थोड़ा गान उन्हें जब तक भी लहरा बोर्ड अभी नजदीक है उन्हें पोजिशन ब्लॉक के थे और नित अभी ना फर्स्ट हाफ रिया लगभग 10 मिनट रिया गाती ये तो पूरब लिया वक्त ने बिना और बना टीम से कोई नित हो नवा मैच रहे 0-0 रिया पोजिशन रहे। फिर से देखिए एक मौका बनेगा जरूर, लेकिन ऑफसाइड का वहां पर फ्लैग उठता हुआ बड़ी बॉइस न पाएगा तिहिजा दिन रहो निन मौज मौज टीम में नखवा बुलाना टीम रहो उनका दुकान वाला को से आर लेकर गाती वाला को रेडियट को मैं दा निना मौज मौज खिलाड़ी पे हो को करा जे ऑडियंस को हो नाश्ता जो मो बाकू दिसई दा ताका जो मो बाकू दिसई दा और मेज रे निन्नो आर जस्ती द सिंगिंग को हजु करा खिलाड़ी को जान लगी और आखिर क्यों नहीं चिता बाग हुई वहां चिता जे और इधर सिंगिंग को जो करा 5 लाख रिया टूर्नामेंट करा छोटा मोटा टूर्नामेंट तो बाल करा उन्हें इस सबसे खिलाड़ी चीन करा की तैयारी था। इसी तरह से आप खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहिए आपे डोका के एकदम साइड को एक खिलाड़ी को हो होता है खिलाड़ी को थाई होता है आपे नुकु खिलाड़ी सपोर्ट को पे खिलाड़ी को जोश बढ़ाते हुए पे तीही जान वा इंटरेस्टिंग मैच तिलक हमसा देखिए दर्शकों ने यहां पर कोलाहल के साथ मैच को एक बार फिर से नया रूप दे दिया है। क्या यहां पर गोल होगा जलका डिफेंडर अड़ी वज रक्षक पंक्ति वाला को एरिया पर गोल करना इसी तरह से दर्शकों का प्यार मिलेगा ये बीच में ऑफसाइड ढोल और तमाकान तक हजुआ से आपको आयमाल करा तरह तरह और रिया उसका साधन को उतराया तो नवा माहौल आपे ही पे बना दड़िया इन बुझाव दा नुमा सीत पहाड़ी हिरनपुर रिया टूर्नामेंट आपे को यतगी नुमा जी हाँ सपोर्ट कीजिए आप इसी तरह से और जी हाँ दर्शक भी आप पूरे रंग में आ गए हैं इस मैच के साथ वो कनेक्ट हो गए हैं। इसी बीच क्या यहाँ पर गोल होगा गोलो का नसीबार मौका जरूर साइलेंट थोड़ा गल बोले रुका होगा मैं खेलो कोई टापास यहाँ अटी घड़ी बोले तो होगी ना और तायम से जल के ना गया फ्रेंड उड़ा भी नया अपन बाबू संगीत खेगी शॉट लेकिन गोल कीपर लगी बड़ी दमदार मैच मेनखान सुशील तिहिजा मैच मेनखान को अंत भला तो सब भला और तिहिजा बुचत में निना इंटरेस्टिंग फाइटिंग वाला मैच मेनखान बाकी गोल का मेनखान दर्शक रहे उसका ऊर्जा जलो करा इना दिन मान दुड़ पते रहो नोटे मैच जल करते हो तिहिजा मैच लास्ट मैच दबी उसका जेनल बिहार का उसका ऊर्जा करा जुनून करा फुटबॉल प्रति निश्चित दर्शक को सराहो रहे भागीदार करा को और सरेगी जो तो कोई बना रहे तुम सराहो का जो तो ऑडियंस को जे निना वर्क हुई ना मन खान नीत भी वहाँ मैच जेल लगी नीत हो बना हुआ बना गया पे जेजे लिए बुहा को आर्मी था वहाँ क्लब से कोई आई भाई बस रहा पे चल चुका और उन्होंने खोई नीचे बेहतर मौका बना कम है अजय जमादार लेकिन ये तो मरहा बोल है कंट्रोल का मन खान गोपी थी ही चाहे तो फर्स्ट डाउन ना मैच राम का था चाहे तो वहाँ क्वार्टर राउंड रहे गोपी नीत भी आया टीम लगी हर संभव प्रयास का जेल कर दिया हमेशा 100% एम करा और अपे जो तो ऑडियंस को नोका गे हो हल्ला शोरगुल और उका बीच
कोलाहल जरूर करना ताकि प्लेयर्स ऑटोमेटिक नुकुरे ऊर्जा पैदा और नुकुहो जस्ती मीटे सपोर्ट कहीं ना कहीं को बुझा जे इन खुशी ऑडियंस मेना को सपोर्टर को मेना को तो हिसाब से बेहतर को गति मौज क्रोस आगे बढ़ा दिया था और निश्चित रूप से अभी मैच का जो आनंद ले रहे ऑडियंस या जो क्राउड जिस प्रकार से कुछ समय पहले था सूर्यास्त होने से पहले लेकिन भले अभी क्राउड थोड़ा सा कम हो गया है लेकिन जो अभी तुषारदा ने जिक्र किया कि अभी तक इनका एनर्जी लेवल आप समझ सकते हैं कि इस मैच के लिए बचा करके रखे थे और आप समझ सकते हैं कि इन दोनों टीम्स को जो अभी तक जो दर्शक अभी तक बने हुए हैं ये कितना ज्यादा इनको चाहते हैं इनके खेल को कितना ज्यादा ये पसंद करते हैं आप समझ सकते हैं। अभिजीत के पास गेंद अभिजीत दास ने वहां पर अभी तक गेंद को अपने पास रखा इसी बीच वहां पर मौका बना सकते हैं प्रगाना टोला के टीम के विरोध में वहां जब तक एक मूव वहां पर बनता गेंद को निकाला गया डिफेंस लाइन से लगती है कि ये मैच अगर और कुछ समय तक चलती तो और बेहतर होता क्योंकि चाहे ये मैच जितना समय तक चले हम लोग देखने के लिए तैयार हैं इस प्रकार का यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होता हुआ हेलो इस लास्ट क्वार्टर फाइनल में आप इसके बारे में क्या यहाँ पर बात रखना चाहेंगे या ऑडियंस को किस प्रकार से आप धन्यवाद देना चाहेंगे या इससे क्या उम्मीद करते हैं कल दिन के लिए और बिल्कुल सुशील जिस प्रकार का यह मैच चल रहा है ये दुधिया रोशनी पर ये मैच का चलाइबल हो रहा है तो कहीं ना कहीं दर्शकों को लगता होगा कि अब सारा मैच इसी तरह लाइट में ही खेला जाए क्योंकि इसका आनंद जो दर्शक को ले रहे इतना आप समझिए कि समय बीत चुकी है समय ये लास्ट मैच है लेकिन दर्शक तस से मस नहीं हुए दर्शक यहाँ अपने उपस्थिति दर्ज किए हुए क्योंकि ये दोनों टीम का जबरदस्त फेसअप मैच है और कहीं ना कहीं दोनों टीम सेमीफाइनल के दौड़ को अपने नाम करना चाहते हैं सेमीफाइनल का जो जगह उसको अपने नाम करना चाहते हैं सुशील और ये बिल्कुल दोनों टीम का एक अरमान होगा एक सोच होगा और इनका प्रयास भी है कि इस मैच को ये खोना नहीं चाहेंगे यहाँ से हर हाल में इस मैच को जीत करके वो अपना अगला पैदान जो है उसको सुनिश्चित करना चाहेंगे और जिस प्रकार से रिकॉर्ड बनाए हैं सुबोध संघा मालदा वेस्ट बंगाल की टीम क्योंकि ये जब इस ग्राउंड पर पहली मर्तबा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था उस सीजन में जब यहाँ के वो चैंपियन टीम रह चुके हैं तो दोबारा इनका प्रयास रहेगा कि यहाँ से वो पुनः वो रिकॉर्ड बनाए और दूसरे बार इस 2023 में उस प्रकार का रिकॉर्ड कायम करें और सुशील मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर यात्रा गंगा के टीम पहला साल यहाँ विनर बन के गए थे वहाँ एक रिकॉर्ड और है हम लोगों के पास की ये दोनों टीम समझते हैं कि सेकंड हाफ का जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसको और तेज खेलना होगा और बेहतर खेलना होगा ᱚᱱᱟᱛᱮ
में जो आपे कमी टीन जो सदस्य को देव जे तीन लेकिन जेबन विलम्ब बार दिन तीन थोड़ा समय कोम चुका जेबन गु बार खिलाड़ी तलाकिन बजाव मेडिकल के स्प्रे और पानी का व्यवस्था कर दे। दो खिलाड़ी इस समय गिर गए हैं गपावा समय विशेषकर जो को ध्यान ताबूत पे चाहे गैरेज रे कमी मिलाता है चाहे ग्राउंड रे तो जहां डा विभाग रही गपा एकाल सही समय पे हजू तो बुरा गपावा गाती कुड़ी को गाती के दार बन बढ़ाया गया कुड़ी होड़ा टीम रे तो जहां ओक्टे बितावया उनको बाकू विलंब बढ़ाया आप कुड़ार की कुन विलंब है खान सीत पहाड़ी हिरणपुर पाकुड़ा जो कमेटी सदस्य पे सराव चुका लट्टू कटी आतुर गिद्र से लेकर लट्टू हड़द भी आप पे तो सराव चुका लेकिन हाफ सेकंड हाफ पे उनको प्लेयर्स प्लीज डोंट आर्ग्यू विद रेफरी आप मैच पे फोकस करें नहीं तो नुआ मैच रिया इंटरेस्टिंग पॉइंट रहे चला चुके होकर एफसी परगना टीम रहे खिलाड़ी मिल में विपक्षी हाफ रहे जतो को हेच चबाओ कर आकुआ हाफ लाइन रहे जतो को ठेला को चबा के कुआ इसका मतलब पूरे जी जान को लगाओ का अड़ी पॉइंट रघुआ शॉट नाय कर रघुनाथ हालांकि उड़ा डिफेंडर जाल का फैकवा छत्र फेक रुवड़ कर तीनों मौज दी तो परगना टुला हुकू बढ़ाई गया नुआ मैच रिया कंडीशन मुझे समय से नवा मुकाबला चला करा आर नोडे को अगर मैच रे बाबरी आर्य धाची गोला गोल की परा घड़ी पॉइंट बचा हुई ना हालांकि आर हो राहुल रॉय क्या वो खतरा पैदा कर सकते हैं जी हाँ उनके मोमेंट को रोकते हुए और उनको जबरदस्त तरीके से रोका गया था राहुल रॉय को और जो मोमेंट पे उस खिलाड़ी को रोका गया था उस वजह से वहां और खिलाड़ी को भी पता है टीम के खिलाड़ी को भी पता है ज्यादा डेंजरस तो यहां पर रिंकू जी इस मैच का भी लगभग लगभग अंतिम समय की ओर लगभग रेगुलेशन टाइम में लगभग 20 मिनट का जो समय इस मैच में भी हो चुका है और इसमें लगभग अभी भी 10 मिनट या उससे ज्यादा का जो समय अभी जो रह गया है शेष समय ये दोनों टीम के लिए सबसे बड़ा एक चुनौतीपूर्ण रहने वाला है बहुत ही कॉन्टेस्ट भरा ये स्थिति है दोनों टीम के लिए परगना टोला टीम का सबसे बड़ा इस उसका फोकस रहेगा कि मैच को लेवल करें लेकिन बंगाल की टीम मालदा की टीम का कोशिश होगा कि स्कोर लाइन को और बढ़ाया जाए फिर से राहुल रॉय लेकिन वहां पर डिफेंडर रघु बॉल को आगे की ओर खेल दिया रिकॉर्डिंग मैच रोडे तिही जानवा लास्ट मैच परगना टोला टीम कुकुरुबुटुई ना नुआ मैच रे वापसी लगी खिलोट दो अधिक खतरनाक बना टीम के गाती खेला फिर से मौका बना फिर से जी थोड़ा गया बाल मिस पास के दावे राहुल रॉय वह टीम रेड स्ट्राइकर मीठे गोल चुका हुआ टीम लगी मैंखान बना टीम भी जलना मैन मार्किंग अड़ी पहुंच गई फिर से प्ले ऑन गया वन वन रिया सिचुएशन मीठे खिलाड़ी पारोम दिया सुबह लेकिन हपन बू अड़ी मौज नियंत्रण चला गोल कीपर ले गया बैक पास किधर और गोल कीपर गोपी हो रहा तुरंत की आयरन साइड हाफ रन खिलाड़ी मार दिया और राइट हाफ रन खिलाड़ी तुरंत की कटी में पास कर पे ताला स्पीड पकड़ा तो नहीं गया उपाटे ग्राउंड है कवर किया यही तो इस खिलाड़ी का खासियत है और शायद इसी वजह से इस खिलाड़ी अभिजीत दास को और फ्री किक के लिए एफसी परगना टोला यह धड़कन को बढ़ा रहा है दोनों टीम के खिलाड़ियों के सपोर्टर्स का तो यहां रिंकू जी दोनों टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय चलता हुआ और बिल्कुल तुषार जी यहाँ पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर परगना टोला की टीम क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ समय बहुत कम रह गया है देखिए यहाँ इस तरह का बर्ताव इस खिलाड़ी के साथ नहीं होना चाहिए आप
आप अच्छे टीम के खिलाड़ी हो, आप अच्छे गोल आपके पक्ष में है और आप इस तरह के बर्ताव, ये कहीं से सही नहीं। आप एक अनुभवी प्लेयर हो, साथ में आप समझते हो टीम को किस तरह लीड किया जाए, तो आप इस तरह का बर्ताव मत कीजिए ताकि लोग आपको गलत सोचे आपके बारे में। अच्छा सा खेल दिखाने का प्रयास कीजिए आप। और ये अजय जमेदार है और ये टीम के लिए यात्रा डाना की ओर से ये सेकेंड गोल।